संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को एक बार फिर भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ी है। यूएन ने पाकिस्तान को भारत ने एक बार फिर करारा जवाब दिया है। कश्मीर के मुद्दे पर बहस के दौरान भारत ने संयुक्त राष्ट्र से कहा कि पाकिस्तान वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को बताया कि पाकिस्तान में लगातार बढ़ते परमाणु हथियार, पाक सरकार और जिहादी संगठनों के मजबूत संबंध किस तरह दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत वेंकटेश वर्मा ने पाकिस्तान को लताड़ा। भारतीय राजदूत वेंकटेश वर्मा ने कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट में कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तानी राजदूत तहमीना जंजुआ की बातों के जवाब में पाक पर पलटवार किया। वेंकटेश वर्मा ने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा और परमाणु ताकत का विस्तार शांति और स्थायित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दरअसल तहमीना जंजुआ ने भारत को एक बार फिर उकसाते हुए संयुक्त राष्ट्र से कहा था कि दक्षिण एशिया के सुरक्षा माहौल को भारत के वर्चस्वपूर्ण नीतियों पर अमल करने से नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि मुख्य विवादों और खास तौर पर कश्मीर विवाद को सुलझाए बगैर क्षेत्रीय शांति संभव नहीं है। जिनेवा में पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि तहमीना जंजुआ ने संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति से कहा कि दक्षिण एशिया में भारत की वर्चस्ववादी नीतियों और सैन्य दबदबे के लिए उसकी कोशिशें वैश्विक और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर अस्थिरता पैदा कर रही हैं। तहमीना की बातों का जवाब देते हुए वेंकटेश वर्मा ने पाकिस्तान को लताड़ते हुए उसे दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया। NMF न्यूज की रिपोर्ट।